भोपाल के वार्ड नंबर 41 में पूर्व पार्षद के देहांत के बाद उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से लेकर भाजपा और अनेक निर्दलीय प्रत्याशी सामने हैं, पर उन्हें सबके बीच एक निर्दलीय युवा चेहरा अजहर मिर्जा, जो कि मुद्दों की राजनीति को लेकर इस चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि वार्ड नंबर 41 आज विकास एवं शिक्षा के मामले में पिछड़ता नजर आ रहा है, तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी शिक्षा ही रहेगी। साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर भी हमारे संवाददाता द्वारा उनसे मंथन किया गया। इसमें जो कार्य होना है, सड़कें, नाली, साफ सफाई, सबसे गंदे वार्डों में शुमार होता है अपना वार्ड 41। नाली कचरा, आप देखो कहीं भी कोई भी आता है कचरा फेंक देता है, क्योंकि उनको घोड़ा दिखता ही नहीं है, अगर होगा तो दिखेगा घोड़ा। अब घोड़ा घर नहीं दिखते उनको, तो वो कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, जबकि गाड़ियाँ घर घर आती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये साफ सफाई, नाला, कुछ नाले हैं, 3-4 नाले हैं, बागफा तफजा का एक नाला है वो वाला, और एक सिकंदर पुली वाला नाला है, ये बड़े कामों में शुमार है। कुछ सड़कें हैं यहाँ पर जो है ना अभी खुदी हुई पड़ी हुई हैं, उनकी रिपेयरिंग है। इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे समाज का आता है वार्ड 41 का, कि यहाँ पर कुछ अच्छे स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल, तो बच्चों को मैं सोच रहा हूँ कि फ्री कोचिंग क्लासेस खोलकर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं क्लास की कोचिंग है फ्री चलाऊँ। कम से कम 3 कोचिंग है, मेरा लक्ष्य है कि वार्ड 41 में 3 कोचिंग में फ्री रखूंगा। लंबे समय से यहाँ कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, उसके बाद विकास दर क्यों यहाँ देखने को नहीं? आपने लंबे समय से कांग्रेस के पार्षद का कह दिया, लंबे समय से विधायक जी भी रहे हैं भाजपा के, तो कार्य क्या होता है कि अपन किसी नेता पर ना जाएं। अभी तो अपन की प्राथमिकता ये है कि अपन खुद चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर जीतते हैं, अगर जनता मौका देती है अपन को, तो अपन जनता के विकास के कार्य करें। अपन किसी को नहीं देखना चाहते, क्योंकि क्या एक पार्षद की एक निधि होती है, उस निधि से पैसा लेकर आओ, काम करवाओ। अपन को क्या देखना कि बीजेपी के विधायक 18 साल से हैं, कितने 15-16 साल से हैं, कांग्रेस के पार्षद 20-25 साल से हैं। अपन को इन चीज़ों को नहीं देखना, क्योंकि जनता देख रही है, जनता जानती है, ये अपन को कोई कुछ नहीं देखा। अपन को देखना ये है कि हम क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, हमें उस काम को आगे बढ़ाने के लिए बस कदम उठाना है, जनता का साथ चाहिए उसके लिए। जा रहे हैं तो कैसा माहौल लग रहा है? जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि भाई देखो इतने साल आपने इनको भी देखा, इनको भी देखा, बीजेपी की भी सरकार है, विधायक हैं उनके, बीजेपी के समर्थन के समय कांग्रेस के भी पार्षद आपने देख लिए, एक बार हमें मौका देकर देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षित हैं हम किस तरह शिक्षा का विकास करना है, विस्तार करना है आपके वार्ड में, ये हम जानते हैं। बिल्कुल अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग खुद कह रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, लोग मुझे फोन लगा लगा कर बोल रहे हैं कि आपने बताया नहीं, खड़े हो गए, आपने बताया नहीं, तो मैंने कहा हाँ भाई आप पता चल गया आपको, तो बस आप अपने आसपास वालों से कहते रहिए कि एक बार मौका दें, और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर अजहर मिर्जा को चुनाव चिन्ह कोर्ट पर बटन दबाकर विजय बनाने की कोशिश करें। वो सब एक दूसरे को कहते रहें कि अजहर को समर्थन करें।